खुशामदीद आप लोगों को। मैं आपका मेज़बान आपका आरजे कामरान जावेद अजीज एक बार फिर आप लोगों के साथ मौजूद है। आप लोग सुन रहे हैं इस वक्त सिंपलिस एफएम 88.6 और मेरे शो का नाम है बात से बात। आज हम तालुकात आमा यानी पब्लिक रिलेशंस और सिनेमा प्रमोशंस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी मेहमान है शहनाज रमजी। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम पर आगे बढ़ें, कुछ ट्रैफिक अलर्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इस वक्त ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर ज़्यादा है। मकाम है मैकडोनल्ड टैंक चौक जानिब सुपर हाईवे और वजह है NLC वाटर टैंकर ख़राब हो गया है वहाँ पर, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो है ट्रैफिक की रवानी जो है वो एक तरफ बढ़ रही होती है, दफातर और दुकानें बंद करके लोग अपने रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो इस वजह से ट्रैफिक का दबाव मुख्तलिफ सड़कों पर ज़्यादा हो जाता है कराची में। और इस वक्त पीक आर की वजह से जो है IH चंडीगढ़ रोड जानिब शाहीन कॉम्प्लेक्स मेट्रोपोल शार फैसल जानिब नर्सरी अब्दुल्ला हारून रोड तीन तलवार मार्केट एरियाज फवारा चौक सदर मार्केट एरियाज एम जिना रोड चौधरी खलीकुल जमा रोड गिजरी और गार्डन एरियाज पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है। मैं कामरा जावेद अजीज इस वक्त आप लोगों के साथ मौजूद हूं और हम अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहनाज रमजी साहिबा। मैम मेरा एक सवाल है आपसे, लेकिन उस सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने लिसनर्स को अपने और अपने फेसबुक व्यूवर्स को ये बात बताना चाहूँगा कि हमारी शहनाज आपा ने यानी शहनाज रमजी आपा ने एक किताब जो है अपनी तहकीक अपनी रिसर्च पर जो है उसको पूरा कंपाइल किया है और उस किताब का नाम है पाकिस्तानी क्विजीन यानी पाकिस्तान के खाने। और ये कॉफ़ी टेबल बुक है, मेरे ख्याल से इसको कॉफ़ी टेबल बुक कहते हैं हम लोग। नहीं, एक्चुअली ये कॉफ़ी टेबल बुक नहीं है। इस बुक का नाम है कंपेनियन टू पाकिस्तानी क्विजीन। कंपेनियन टू पाकिस्तानी क्विजीन ये एक इंसाइक्लोपीडिया है एक्चुअली ऑफ फूड ऑफ पाकिस्तान। तो इस पे जैसे आप इंसाइक्लोपीडिया जब आप खोलते हैं तो अल्फाबेटिकली आप अगर कोई चीज़ भी अगर आपको मालूम करना हो, फॉर इंस्टेंस अगर आर्ट के ऊपर एक इंसाइक्लोपीडिया है तो आर्ट रिलेटेड जो आर्टिस्ट पाकिस्तान के हैं या जो पेंटिंग्स उन्होंने की है या जो वेरियस किस्म के आर्ट मौजूद हैं पाकिस्तान में या गैलरीज हैं, हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। उस तरह ये वाहिद बुक है पाकिस्तान की जो हालांकि पूरी दुनिया भर में इस तरह की बहुत सारी किताबें शाये होती हैं ऑन क्विजीन, पर पाकिस्तान की ये फर्स्ट बुक है पाकिस्तानी खानों की, और विच इज़ और नॉट जस्ट खाना बट यूटेंसिल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कम्युनिटीज़ जो पकाते हैं, हिस्ट्री ऑफ द क्विजीन के वो कैसे वो पर्टिकुलर चीज़ पकने शुरू हुई, कहाँ से आई थी, उसका ओरिजिन कहाँ से था, तो हर किस्म के इंफॉर्मेशन फूड से रिलेटेड, पाकिस्तानी फूड से रिलेटेड या जो जो फूड यहाँ खाया जाता है उससे रिलेटेड ये किताब है। यानी कि इसके अंदर अगर हम कोई मेमनी खाना तलाश करना चाहें या बोहरी कम्युनिटी का कोई खाना तलाश करना चाहें तो, और कराची में तो आप कह रहे हैं कि जी एक हर तरह की कम्युनिटी के खाने और आज से नहीं अरसद रात से मिल रहे हैं और अब उसमें कुछ वेस्टर्न टच भी आ गया है, तो वैसे पाकिस्तानी क्विजीन को अब आप क्या समझती हैं कि जी पाकिस्तान क्विजीन जो है अपनी कोई डिस्टिंक्ट जो है कोई क्लासिफिकेशन रखता है या ये उर्दू ज़बान की तरह एक काफिला बन गया है खानों का कि इसमें मुख्तलिफ जायके शामिल हो चुके हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मुख्तलिफ जायके सब शामिल हो चुके हैं और वो सब मिलकर ही एक जो बहुत खूबसूरत एक हॉटपॉट बन गया है पाकिस्तानी कुजीन का। और हमने इनफैक्ट जो दूसरे मुल्क के भी जो खाने हैं उसको भी अपनाकर उसको एक पाकिस्तानी टच इतनी ज़बरदस्त किस्म का दे दिया है कि अगर मेरे ख्याल से अगर आप वो उस खाने को उस मुल्क में जाके खाने की कोशिश करें तो आप शायद पहचानेंगे। जैसे कि काबली पुलाव, अब काबली पुलाव जो है उसमें मिर्चें नहीं डलती हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब बन रही होती है तो लाल मिर्च का हल्का सा पाउडर जो है डाल दिया जाता है ताकि थोड़ी चटपटी हो सके। आप चाइनीज क्विजीन ही ले लें, चाइनीज क्विजीन बिरयानी जैसा तो फ्राइड राइस आजकल बनता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हर चीज में हमने उसको अपना एक टेस्ट दे दिया है और इतना अपना लिया है कि ठेले ठेलों पे आपको कौन सूप मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारे लैंग्वेज की तरह ये भी एक खिचड़ा है, हर चीज़ इसमें हमने डाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने लिसनर्स अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि ये कंपेनियंस ऑफ, सही कहा मैंने जी, कंपेनियन ऑफ
पाकिस्तानी क्विज़िन, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पाकिस्तानी क्विज़िन, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पाकिस्तानी क्विज़िन किताब पे ज़रूर इसको देखें, इसको पढ़ें, और ये एक बड़ी मज़ेदार किस्म की किताब है जिसको खा के भूख ज़रूर लगेगी हमें। मैम हम अपने थोड़े से टॉपिक की तरफ जाते हैं जिस पे हम बात कर रहे थे। असल में ताल्लुकात आमा यानी पब्लिक रिलेशन एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, और अभी बीच में एक बात आपने खुद ही बात निकाली थी जबकि मैंने उसका एक सवाल भी लिख कर रखा था, मैं सोच रहा था कि उस पर बात करूँ कि ना करूँ। लिफाफा जर्नलिज्म ये आजकल बड़ा एक मतलब एक आप कह रहे हैं कि मैंडेटरी हो गया, लाजमी हो गया है कि जब तक लिफाफा नहीं जाएगा तो खबर नहीं छपेगी। नहीं, मैं ये इससे नहीं इत्तफाक करती हूँ, क्योंकि हम एज एन एजेंसी मुस्तकिल काम कराते रहे और हमने कभी किसी को लिफाफा नहीं दिया, और अगर कभी किसी ने सजेस्ट भी किया ना कि आप हमें पे कर लें, इस हम आपको इतना सपोर्ट करते हैं, तो हमने सख्ती से इसको मना किया है। हम बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ नहीं करते। तो जब हम नहीं करते एज एन एजेंसी, तो आई एम श्योर और भी बहुत सारे होते होंगे जो नहीं करते होंगे, और इंडिविजुअल्स भी हैं, मगर हैविंग सेड दैट ऐसे लोग हैं भी जो पे करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, और ये कोई आज का नया चीज़ नहीं है, ये हमेशा से ही चलता आया है, हमेशा से ही चलता है। तो हर किस्म के लोग होते हैं, मगर एटलीस्ट जर्नलिज्म में अभी भी आपको वो सहाफ़ी मिलेंगे जो पेमेंट बगैर एक साफ सुथरी अनबायस्ड रिपोर्ट देंगे, और बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट आपको मिलेंगे। लेकिन आपको जो डिजिटल एज जो हमारा आ गया है उसमें ये नहीं मिलेगा, उसमें आप उसको लिफाफा जर्नलिज्म में नहीं कहेंगे, क्योंकि अव्वल तो नंबर वन जर्नलिस्ट हैं नहीं, दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर जस्ट सोशल मीडिया पर, और उनको 99.9% ऑफ द टाइम हम देते हैं कैप्शंस, हम देते हैं फोटोज, हम देते हैं हैशटैग, सब चीज हम बना के देते हैं, उन्होंने सिर्फ छापना है उसको, तो कुछ भी मतलब उसमें नहीं करना है, मगर उसकी पेमेंट ली जाती है। और ये चीज बहुत आम है, ये नहीं कि कोई छुप कर दिया जा रहा है, ये एक उनके रेट शीट होती है जो सबको पता होता है कि हाँ वो चार्ज करेंगे। और वो अच्छा कितनी अजीब बात है कि जी प्रिंट मीडिया में उसको लिफाफत जर्नलिज्म कह के एक बड़ा एक बदनाम किया जाता है, जबकि डिजिटल मीडिया में वो एक सर्विस चार्जेस है, उनकी फीस है, उनकी सर्विसेज के बदल में वो अमाउंट ले रहे हैं। अच्छा आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, कुछ बड़े नामी ग्रामी इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन्फ्लुएंसर्स में मैं यूट्यूबर्स को भी काउंट कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्रामर्स को भी काउंट कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया के जो पूरी सारी सर्विसेज आप देते हैं उनको भी काउंट कर रहा हूँ। ये इन्फ्लुएंसर्स क्या हैं, क्या वाकई में दे आर द इन्फ्लुएंसर्स की अगर ये कोई खबर लगाते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है? देखिए वही बात हो रही है कि अगर उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है ना तो उनको गिना जाता है इन्फ्लुएंसर्स। अब वो फॉलोइंग जेन्युइन हो ना हो, उसमें कोई रीच है ना है, उससे किसी को ताल्लुक नहीं है, बस उनको एक वो नाम दे दिया, टाइटल दे दिया कि ये इन्फ्लुएंसर है, और सिर्फ इस वजह से कि उनके पास लाखों में मिलियंस में उनकी फॉलोइंग है। मेरे नज़र में जो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर है ना, वो आपके या तो सेलिब्रिटी तबका जो है, जो जिनकी जेन्युइन फॉलोइंग होती है, बहुत से लोग उनके फैंस बहुत होते हैं और बेतहाशा उनकी फॉलोइंग होती है, और उनका एक स्टेटमेंट वो देते हैं तो उसके ऊपर इतने कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, व्यूज आते हैं, चाहे हेट मेल ही क्यों ना आ जाए लेकिन आता ज़रूर है कमेंट्स उनके जो भी वो लिखते हैं या डालते हैं पोस्ट, तो वो जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स हैं। मगर बाकी ये जो अब अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं या जिनको हमने बना दिया है इन्फ्लुएंसर बिकॉज ऑफ देयर फॉलोइंग, वो आई फील आर इतने जेन्युइन नहीं है, आई एम सॉरी, इतने जेन्युइन नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं ये डाउट है कि ये आया कि ऑर्गेनिक है या फिर जो है इन्होंने पेड बूस्टिंग कराई हुई है। अच्छा सेलिब्रिटीज़ की बात हो रही है, तो सेलिब्रिटीज़ के लिए एक हमेशा एक जो प्रिंट मीडिया है या मास मीडिया है, अक्सर सेलिब्रिटीज़ जो हमारी फिल्म एक्ट्रेसेस होती थी पुरानी, वो जब उनकी कुछ कुछ ऐसा फिल्म्स नहीं आती थी तो कहीं ना कहीं से वो अपनी खबर क्रिएट करके डलवाती थी, और ये हम लोग सुनते हैं, हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं भी उनका नाम नहीं ले रहा, वो हमारे फिर बाद में मेहमान आएंगे तो उनसे आपकी बात कराएंगे, तो बड़े बड़े किस्से कहानियाँ वो सुनाते हैं कि जी फ़ोन आती है कि जी फलाने फलाने साहब बहुत दिन हो गए खबरों में नहीं आई, कुछ
कहानी तो क्रिएट करें। तो एक काम करें, चलें एक पब्लिक में जाके निहारी खा के आते हैं, वही कहानी क्रिएट हो जाएगी। और ये आज भी हो रहा है, ये आज भी हो रहा है। अच्छा, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट एक बड़ा ही सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट। क्या ये सेलिब्रिटी मैनेजमेंट पहले थी या अब होने लगी है? और ये क्या सेलिब्रिटी मैनेजमेंट से वाकई में अगर कोई जेन्युइन कोई आप कहने के एक्सपर्ट किसी सेलिब्रिटी के साथ अटैच हो जाए तो उस सेलिब्रिटी को रातों रात मशहूर करा सकता है? देखिए, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट तो एक रिलेटिवली नया फिनोमेना है। जब हमारे पुराने जो आर्टिस्ट थे जैसे कि वहीद मुराद साहब, जेबा, दीबा, शबनम, इनके कोई भी सेलिब्रिटी मैनेजर्स नहीं होते थे इनके कोई। अब जो आ गए हैं वो मे बी इज़ द नीड ऑफ द आर्ट, टाइम्स चेंज होती हैं, लेकिन उससे होता यह है कि उनको ओवरनाइट तो नहीं सुपरस्टार बना देंगे, लेकिन वो इनको ना सजेशंस, एडवाइसेस, नहीं सजेशन और एडवाइस तो अपनी जगह, लेकिन वो बेसिकली उनको काम ला के देते हैं। सही। वो उनके लिए उनको क्योंकि ये सेलिब्रिटीज जो है, देखिए एक जमाने में एक पीटीवी होता था, एक ड्रामा एक टाइम पे कर रहे होते थे। अब ये लोग 25 ड्रामे अगर एक साथ कर रहे हैं विद इन 6 मंथ्स, इनके सारे के सारे बैक टू बैक चीजें लाइंड अप होती हैं, तो इनके पास कहाँ टाइम है कि ये खुद उसमें फिर शॉर्ट फिल्म्स भी आ जाती है, उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, उसमें इंटरनेशनल फिल्म्स भी आ जाती हैं। तो फिर उस वजह से इनको चाहिए कि कोई एक बंदा हो, वो कहते हैं बस आप इनसे हैंडल कर लें, ये बात कर लेंगे। तो वो पर्सन जो होता है वो फिर इनके लिए निगोशिएट करता है, वो उनके लिए बेस्ट डील ला कर देता है, वो ट्राई करता है कि कहीं बाहर भी अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, कुछ कर रहा है, तो वो उसको लाइन अप कर ले। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, जैसे टाइम्स चेंज होते हैं तो आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है आप उसको कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जी एक सो एंड सो सेलिब्रिटी जो है बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट ठीक नहीं थी इसलिए वो जो है नीचे आ गई, और कोई सेलिब्रिटी ऐसी है कि जो इतनी टैलेंटेड नहीं है और लेकिन वो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट की वजह से ऊपर आ गई? जी, ये जो लेटर है ये तो ज़रूर होता है कि वो हो सकता है कि वो उन्होंने कोई इतने सारे काम ना किए हों या इतने बड़े काम ना किए हों कि वो लोगों के नज़रों में आए, लेकिन उनको इतनी ज़बरदस्त तरीके से उनका प्रमोशन किया जाता है या उनको पुश किया जाता है एक्सक्यूज़ मी कि उनको काम ज़्यादा मिल जाता है या वो ज़्यादा लोगों की मेमोरी रिकॉल में आ जाते हैं। ऐसा कम होता है कि आपको मैनेज सही नहीं किया हो तो उस वजह से आपका बिल्कुल आप टॉप सेलिब्रिटी हो और आप सडनली डाउन हो जाएं, वो बहुत कम होता है। आपका काम स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, तो अगर आप टैलेंट बोलता है बिल्कुल, तो अगर आप टॉप सेलिब्रिटी हैं तो मैनेजर या नो मैनेजर, बैड मैनेजमेंट या गुड मैनेजमेंट, आप अपनी जगह पे आपका चलेगा काम, मगर जो अप एंड कमिंग है जो चाह रहे हैं कि वो उनको और काम मिले या और इस्टेब्लिश हो जाए या काम उतना नहीं मिल रहा है, तो वो फिर उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, ये आजकल हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं जिसपे हम लोगों को उड़ते उड़ते सुनने में भी मिला कि जी ये बकायदे प्लानिंग होती है लॉन्चिंग कि किसी को, किसी ने अपने आप को लॉन्च करना है, और कुछ इंटरनेशनल पीआर कंपनीज हैं जो कनाडा बेस्ड हैं या यूरोपियन कंपनीज हैं जो इसका पूरा प्लान बनाती हैं, जिसमें पहला फेज होता है कि आपकी एक रैंडम वीडियो वायरल होगी, चाहे वो भीगा भीगा है समा हो, चाहे वो पार्टी हो रही हो, ठीक है। और उसके बाद फिर बकायदा इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को कहा जाता है कि इसकी मीम्स बनाएं, कि लोग कहते हैं कि यार ये कैसे हो गया कि जी इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने उस पर मीम्स बना दी, तो इंडियन सेलिब्रिटीज़ से बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पर, लेकिन वो खड़े होकर मीम्स बनाते हैं, तो उनको बकायदा पेमेंट दी जाती है कि ये टास्क है आपके, आपने आज ये मीम्स बनानी है, तो उस पर वो मीम्स बनाई जाती हैं। इस तरह से वो हाइप क्रिएट होती है, फिर उसके बाद कोई ब्रांड उसके पास आता है, फिर वो ब्रांड एम्बेसडर्स बनते हैं, फिर उनको ड्रामे में साइड रोल मिलता है, फिर लीड रोल मिलता है, और फाइनली दे आर बिकेम द सेलिब्रिटीज। बिल्कुल, आपने तो बहुत अच्छी तरह रिसर्च। अच्छा, मैंने बेसिकली ये मैं आपको बताऊं कि ये मैंने चीज ऑथेंटिक इन जो है किसी उससे जगह से नहीं सुनी, लोगों की क्या सराहियाँ, कुछ लोगों ने बोला, कुछ किसी के मुँह से निकल गया, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मैं यही देखता हूँ कि जी अचानक एक वीडियो वायरल हुई और वो बंदा का या बंदी वो आज हमारी लीडिंग सेलिब्रिटीज हैं, तो क्या ये बकायदा प्लानिंग है, ये एग्जिस्ट करती है मैम? बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, और बड़ी जबरदस्त प्लानिंग है ये तो। हाँ, और क्या बस आप वो कहते हैं ना, पैसा फेंक तमाशा देख बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक वीडियो वायरल की जाए, उसके बाद उसको फिर मॉर्निंग शो में बुलाया जाए और फिर उस पर कुछ इंस्टाग्राम और यूट्यूब से वीडियो बनाई जाए और फिर जो है कुछ अच्छे से सेलिब्रिटीज को उस पर वो किए जाए, मीम्स बनाए, फिर उसके बाद जो है वो सेलिब्रिटी की तरफ स्टेप इन हो गई। तो बड़ी एक जबरदस्त चीज मुझे पता चली है ये। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जरा सिनेमा की तरफ, पाकिस्तान की सिनेमा। पहली चीज मैम के हमारा सिनेमा एक हाई टाइड लो टाइड पे चल रहा है। अचानक जब ईद आती है, बकर ईद आती है, तो एकदम हाई टाइड हो जाता है। एक वक्त में सात सात आठ आठ फिल्में रिलीज़ हो रही होती हैं, उनकी प्रमोशंस हो रही होती हैं, और क्योंकि मैं ख़ुद भी एक यूट्यूबर हूँ तो मैम मुझे जानती हैं कि हम भी कैमरा लेके आगे पीछे रेड कारपेट पर भाग रहे होते हैं कॉन्टेंट की खातिर। तो उस वक्त एक दिन में तीन तीन चार चार फिल्मों की प्रमोशंस हो रही हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये जो सारी की सारी सिनेमा की जो प्रमोशंस हैं, इसके बारे में कुछ बताएं, इस पर कुछ नज़र डालें कि जी कैसे आप कैसे करती हैं सिनेमा की प्रमोशंस। देखिए, फिल्म प्रमोशंस जो है ना अब बहुत मुख्तलिफ हो गया है। एक ज़माने में तो सिर्फ एडवर्टाइजिंग ही पे होता था, पीआर पे होता ही नहीं था। ट्रेलर रिलीज होते थे, ट्रेलर होता था, अखबारों में इश्तहार आ जाते थे। उस ज़माने में अखबार भी बेतहाशा छपते थे और प्रिंटेड फॉर्म में और इसी तरीके से, बल्कि वो भी होता था। आई रिमेम्बर रेडियो के ऊपर, मुझे अभी तक याद है, वो एक सिनेमा की लिस्ट मुझे याद है, निशाद क्या, निशाद फिल्मिस्तान और फलाना सिनेमा, फलाना सिनेमा, फलाना सिनेमा। नहीं, सिर्फ लिस्ट नहीं, वो पूरी स्टोरी होती थी। अच्छा अच्छा। वो आपको, और हम बड़े रिलीजियसली फॉलो करते थे कि वो स्टोरी भी वो उसके अंदर ना रेडियो पे वो थोड़ी बहुत उसको देते थे, जैसे ट्रेलर होता है ना, वो रेडियो पे ट्रेलर टाइप चीज होती थी कि उसके वो स्निपेट्स आ जाते थे और हम बहुत शौक से सुनते थे। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें पहले होती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल चेंज हो गया है। अब जो और उस ज़माने में जो सेलिब्रिटी होता था वो अनअप्रोचेबल होता था, वो होता था कि वो सिल्वर स्क्रीन का, लोगों ने जिंदगी में किसी एक बार किसी की बाबर शरीफ की झलक देखी, किसी ने एक बार शबनम का जूड़ा दूर से देख लिया और वो खुश हो रहा होता था। बहुत ही वो अनअप्रोचेबल होते थे। अब जो है वो, अब आपका जो सेलिब्रिटी है वो वैसे ही आपके आम आपको घर में छोटे स्क्रीन पर नज़र आता रहा है, वो हर जगह नज़र आता है आपको। उसको अब ले जाना सिनेमाज पे या स्कूलों पे, कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज़ पे, मॉल्स पे ज़्यादा आसान हो गया है। उस ज़माने में तो ये टोटली सवाल ही नहीं पैदा होता था। तो अब ये सारी चीज़ों को चेंज करते हुए एक हाइप क्रिएट करने के लिए अब ये नए तरीके अब हो गए हैं। मूवी आने से पहले उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जिसके अंदर आपने प्रमोशन के लिए टाइम देना है आपको, एग्जैक्टली कि कोई दो हफ्ता, कोई एक महीना, कोई जो भी डिपेंडिंग ऑन जो भी उनका अवेलेबिलिटी, वो उनके साथ एक सेट किया जाता है। मॉर्निंग शोज पे उनको बुलाया जाता है, रेडियो पे बुलाया जाता है, मॉल विजिट्स कराए जाते हैं और रोड शोज होते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी भी रिसेंटली प्रमोशन हुई थी, मुझे याद है पर्दे में रहने दो के लिए हानिया आमिर अली रहमान को हमने ट्रक पे जो है डांस करते हुए देखा था। वो वहाँ से वेन्यू से निकले, पूरे कराची के लोगों ने देखा और फिर वो लकी वन में गए। फिर जो है लंदन नहीं जाऊँगा उसमें जो है हमायूं सईद और वो महवी शायद तांगा मंगवाया गया था और तांगे पे पूरा वो DHO घुमाया गया था। तो बड़ी अच्छा मैम, पहले ही होता ये था कि जी पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज जो देखिए, एक वक्त वो था जब 70s 80s का सिनेमा था हमारा, वो तो वाकई में सुपरस्टार्स थे। नदीम, शबनम, बाबर शरीफ, ज़ेबा, बहुत बड़े नाम। उनसे आप दूर से आप देख ही लें तो बहुत बड़ी बात है, सेल्फी लेना तो बहुत दूर की बात, उस ज़माने में तो होती भी नहीं थी, और हैंडशेक वगैरह या ऑटोग्राफ लेना भी बड़ा मसला होता था। फिर उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि सेलिब्रिटीज आप लोग के सामने से गुजर रही हैं और हम लोग यूँ देखते थे, हाँ यार फलाने ड्रामे की हीरोइन है या ये फलाना एक्टर, या ड्रामों में आती, फिल्म में आती है, और हम रिस्पांस भी नहीं देते थे। मतलब पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ का कोई स्टारडम नहीं था, कोई ग्लैमर नहीं था। और फिर उसके बाद अब जब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं प्रमोशनल चीज़ें, तो इससे होता ही है कि जी मैंने देखा है कि ग्लैमर भी आया है और एक स्टारडम में देखता हूँ उनका, कि जो एक होता है ना कि जी हज़ारों लोग शोर मचा रहे हैं और उनसे सिर्फ एक सेल्फी लेने के लिए वो कर रहे हैं, तो इससे इनको भी एक वो हाइप मिली है। तो मेरे ख्याल से जो अभी आजकल चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें पहले लैग करती थी,
क्या आजकल टैलेंट में कमी आ गई है तो इसलिए इन चीज़ों की कमी, क्योंकि वहीद मुराद के लिए जैसे कुछ नहीं होता था फिर भी स्टारडम होता था। हमने बाबर शरीफ के किस्से हमने अपनी अम्मियों से सुने हैं कि वो बेचारी गाड़ी में बैठ के निकली कहीं मॉल में और लोगों ने घेरा डाल लिया, चार घंटे तक वो बेचारी गाड़ी में लॉक रही और फिर बड़ी मुश्किल से पुलिस वाले आए और गाड़ी में से बाबर शरीफ को निकाल कर घर तक लेके गए, ठीक है ना। तो ये तक हुआ है, तो आप क्या कहती हैं कि ये क्या ये जो आजकल की चीज़ें ये पॉजिटिव है या वाकई में स्टारडम के लिए रिक्वायरमेंट है इनकी? नहीं नहीं बिल्कुल पॉजिटिव है ये चीज़ें, और वही है कि वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं हर चीज़। उस ज़माने में जो जो सिल्वर स्क्रीन का एक वो था और ये जो सेलिब्रिटीज़ इतने कम नज़र आते थे तो उनकी जो वो भी थी ना, वो सिर्फ फिल्म्स के हद तक थी उनकी जो अपीयरेंस थी, और बहुत बेतहाशा फिल्म्स आती थी उस जमाने में, सिनेमा हॉल्स इतने थे, फिल्में साल में कुछ ना कुछ नहीं 50-50, 60-60 उर्दू फिल्में रिलीज होती थी। बिल्कुल, तो फिर इनका एक बहुत ज्यादा स्टैचर था। अब यहाँ पर साल में कितनी फिल्में आती हैं, मतलब आप देखेंगे मुश्किल से तो जितने सिनेमा भी थे, वो भी एक दो करके सारे सिनेमाज बंद हो गए। आपके स्टैंड अलोन सिनेमाज तो तकरीबन सभी वाइप आउट हो चुके हैं, हार्डली कोई एक रह, सिर्फ कैपरी रह गया है कराची में, अगर सही मायनों में सेलिब्रिटी देखा है कि बंद हो चुका है। लिहाजा अब तो मेरे ख्याल से कोई भी सिनेमा आपका स्टैंड अलोन इस तरह का जो था, जो नामवर सिनेमाज में गिने जाते थे वो तो रहे नहीं। जो पहले तो कराची के लैंडमार्क्स ही यही होते थे, लाहौर के लैंडमार्क्स ही होते थे, निशात और ये सब बड़े सिनेमा थे, ये सब तो अब खत्म हो गए। अब आपके पास जो मल्टीप्लेक्स का कल्चर आ गया, फिर आपने इंडियन मूवीज बंद करा दी, तो वैसे ही आपके पास स्टॉक नहीं है चलाने के लिए, इवन मल्टीप्लेक्सेस में भी वो बंद हो रहे हैं। तो आपके पास जब कुछ रहा ही नहीं है, तो जब आपका एक प्रोडक्ट इतना कम हो गया है तो उसको आपको बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। कंटेंट पे बैरियर्स नहीं होने चाहिए, आपको पूरे इंटरनेशनल कंटेंट्स सारे कंटेंट्स देखें ताकि लोगों को चॉइस भी मिले और कंपटीशन भी, हमेशा हेल्थी होता है कॉम्पिटिशन। बिल्कुल ठीक है। अभी जो है मैं आजकल ये एक एक लव्स में सुनता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, लॉबीज़म, पीआर में लॉबीज़म बड़ा हो गया है। और इसमें हमें इनविटेशन मिल गया, सामने वाले को इन्विटेशन नहीं मिला, और वो भी हमारा दोस्त है, हम कहते हैं उससे बड़ी मक्कारी करनी पड़ती है, नहीं हमें नहीं पता, और रात को हम पहुंचे भी होते हैं, फिर वो बेचारा कहीं ना कहीं से वो उसको इनविटेशन मिल जाता है कवरेज का, रेड कारपेट कवरेज का, या कहीं पे किसी का प्रीमियर शो का, तो वो कहता है तुमने तो कहा था यार अभी अभी मिला यार, बल्कि मुझे तो कोई धक्के देकर अंदर गया है, मुझे तो पता भी नहीं किस फिल्म के प्रीमियर पे मैं आया हूँ। तो ये आजकल तो लॉबीज़म चल पड़ी ये चीज़, क्या ये वाकई में एग्जिस्ट करती है या आप लोगों ने इसको क्लासीफाई इस पर्पज़ के लिए किया है कि जी अच्छे बुरे इन्फ्लुएंसर्स हों जिनकी रीच अच्छी है या जिनकी रीच कम है, या कुछ नामी जो सिर्फ नाम के भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको सिर्फ तस्वीरें खिंचाने का शौक़ है, मैं उनकी निशानदेही कर सकता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं। मुझे पता है वो लोग समोसा खाने आते हैं, अंदर की भेद तो आप सब जानते हैं, फिर आप मुझसे क्या। और वो तो मैं खुद देख रहा होता हूँ, मैंने अक्सर मैम आपकी इवेंट में देखा, कई ऐसे चेहरे होते हैं यार ये क्यों आ जाते हैं, कसम से मैम को पता चल गया ना किसी दिन तो, मतलब मैम को पता होता है। प्रॉब्लम ये है कि देखें, एक तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कोई लॉबिंग कल्चर है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपके पास एक बहुत दफा तो आपको एक मीडिया लिस्ट भी, सिर्फ गेस्ट लिस्ट नहीं, मीडिया लिस्ट भी आपका क्लाइंट देता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लोग चाहिए और कोई नहीं। जी जी। अब जब वो क्लाइंट अगर वो कह देगा कि इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप किसी को बुलाना चाहें या ना बुलाना चाहें। वो डिपेंड करता है कि किस नौयत की इवेंट है, कितने लोग वो अकोमोडेट कर सकते हैं। अब अगर वो फिल्म का शो है, स्पेशल शो है, जिसमें आप बेशक 300-350 लोगों को बुला सकते हैं, तो आप सभी को बुला लेते हैं। लेकिन जहाँ आपको कहते हैं कि नहीं सिर्फ 30 को बुलाना है, तो जाहिर है आप 350 को तो नहीं इन्विटेशन भेजेंगे, उसमें तो भी टॉप यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब चैनल, टॉप इंस्टाग्रामर्स होंगे। बिल्कुल। और प्रेफरेंस भी जो क्लाइंट की होती है वो भी आपको मद्देनजर रखनी होती है, वो खुद भी उनको लिस्ट आपको दिखानी होती है, और फिर वो कहते हैं कि हाँ इसको बुलाएं या इसको ना बुलाएं, तो वो भी एक होता है। मगर गेट क्रैशेस हर जगह होते हैं, और ये नहीं कि हमें नहीं पता होता, बहुत दफ़ा हम आर्ग्यू भी करते हैं, नहीं आने देते हैं, बहुत दफ़ा वो फिर भी घुसने की कोशिश करते हैं, होती हैं अब सीन नहीं क्रिएट करना है, क्लाइंट खड़ा हुआ है तो हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है मोबाइल निकलते हैं या निकलते हैं, हम अभी बात करते हैं और ढूंढ रहे होते हैं किससे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो है
पाकिस्तानी फिल्म्स का जो इस वक्त एक लेवल है काफ़ी एक अच्छा, टेक्निकली तो बहुत अच्छी बनने लग गई हैं। मौला जट आपके सामने, मौला जट की पीआरबी कराची से तो आपने ही देखी सारे मामला उसके जो हैं मौला जट के, और वो भी बड़े सिलेक्टेड मीडिया था और उसमें बड़े जंग होती थी कि जी हमें नहीं बुलाया है, वो मौला जट की जो सिटिंग्स हैं उसके इंटरव्यूज़ हैं। तो आपके ख्याल से क्या किसी फिल्म, जब आपको कोई फिल्म आती है तो कोई टेंशन होती है कि यार अब इसकी पीआर करनी है, और पीआर करना किसी पाकिस्तानी फिल्म का बड़ा मुश्किल है, ऐसा है? नहीं, टेंशन तो आई डोंट थिंक मुझे कभी भी किसी इवेंट के ऊपर हुआ हो। मुझे तो हर चैलेंज जो है वो मैं बहुत विलिंगली और हैप्पीली लेती हूँ कि कोई एक नई चीज़ करने का मिलेगा, और हर चीज़, चाहे वो एक फिल्म की ही प्रीमियर या पीआर क्यों ना हो जो हम बरसों से करते आ रहे हैं, जी, लेकिन जी। हर फिल्म का एक अलग वो होता है, उसका चैलेंज अलग होता है, उसका साइकी अलग होता है, उसको हैंडल करना एक अलग होता है। आपका एक होती है बिग कास्ट मूवी, हाँ एक बिग कास्ट होती है, एक बिल्कुल ही आजकल यंग बहुत मूवीज आ रही है, जॉन आई है, मदारी आई है, बिल्कुल, तो वो किस तरह की मूवी है, कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल है, प्रोड्यूसर कैसा है, डायरेक्टर कैसा है, हर चीज़ पे चीज़ें दारोमदार होती हैं, और हम केटर भी उन्हीं के रिक्वायरमेंट्स को लेकर हम स्पेशल पैकेज बनाकर और उनको देते हैं। तो बहुत वेरी करता है वो, ये नहीं कि एक स्टैंडर्ड वन साइज फिट फॉर ऑल है कि हमने सबको एक ही चीज़ करके दे दी, वो किसी के पास टाइम ज़्यादा है, किसी के पास टाइम कम है, तो वो सारी चीज़ें आपको करना होता है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, मज़े की बात है, तो इन्जॉयबल होता है। अच्छा, कभी फिल्म्स में हम लोग आजकल देख रहे हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स पे फिल्म बना दी जाती है, ना मैं किसी का फिल्म का नाम लूँगा, ना मैं किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम लूँगा, लेकिन सुनने वाले देखने वाले समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं कि जिनकी स्टोरी पे कुछ कंट्रोवर्सीज रेज हो जाती हैं, तो क्या पीआर कंपनी की इतनी से या उनके पास इतना राइट होता है या उनकी इतनी सुनी जाती है कि वो कहें कि जी अपने कॉन्टेंट में ये चीज़ रिमूव कर दें तो आपकी फिल्म ऊपर उठ जाएगी? देखें, पीआर कंपनी को बिल्कुल एंड में हायर किया जाता है, जब आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार है जी। और आप ने डेट्स ले लिए स्क्रीनिंग के लिए, अब आप पीआर कंपनी को ऑनबोर्ड करते हैं, तो बाय दैट टाइम तो इट्स ऑलरेडी टू लेट, इट्स फेट कंप्ली, आप कुछ नहीं कर सकते ना, आपका आप वो जाहिर है कि पीआर कंपनी के उसके ऊपर वो थोड़ी जाके अपनी पूरी फिल्म को हैक कर देंगे या स्टोरी निकाल देंगे या। बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से अगर कोई डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने इतना टाइम, एनर्जी, मनी डाला है तो कुछ सोच समझ के डाला है। और मैं समझती हूँ कि देखिए, हर कोई को मौका देना चाहिए, इतना डॉगमेटिक नहीं हो जाना चाहिए कि आपने अज्यूम कर लिया कि इसकी सब्जेक्ट मैटर कंट्रोवर्शियल है, एक छोटी सी ट्रेलर देखकर अगर आप 2 and 2 को 22 कर देंगे तो वो मेरे ख्याल से फेयर नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट फेयर टू द इंटायर ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने इतनी मेहनत करके, इतना टाइम बर्बाद, पैसे बर्बाद करके एक प्रोडक्ट बनाया। यानी एटलीस्ट फिल्म को रिलीज हो देने हो जाए, वो उसको आप देखें। बिल्कुल, जैसे भी रिसेंटली एक मूवी है वो पिछले 4 साल से रिलीजिंग के लिए आगे पीछे हो रही है, कभी किसी प्रोविंस में बैन हो जाए, कभी कहीं पर अलाउ हो जाए, और फिर फाइनली जो प्रोड्यूसर थे उनको चढ़ा गुस्सा, उन्होंने इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया, पब्लिक टू ऑल कर दिया कि देखो, खुद देखो, फैसला करो। और मेरे ख्याल से मूवी रिलीज हुए हफ्ता तो हो गया है, 5 से 6 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कंट्रोवर्सी रेज नहीं हुई, इसका मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें। बिल्कुल, शुरू दिन से नहीं था। और मैंने वो पिक्चर देखी है क्योंकि वो मेरे पास आई थी पीआर करने के लिए, और वो पूरी पिक्चर मुझे उन्होंने वो राइट्स दे दी थी, तो मैंने उसकी पूरी स्टार्ट से फिनिश तक मैंने वो पिक्चर देखी थी, और साफ सुथरी अच्छी पिक्चर है, और जो चीज़ वो दिखा रही है वो किसी के साथ भी हो सकती थी। और देखिए, ऑस्ट्रिच बनना जो है ना वो बहुत आसान काम है कि आप अपना सर जो है वो कालीन के नीचे डाल दें तो समझेंगे भाई वो कोई चीज़ होती नहीं। सिनेमा में तो आपको रिफ्लेक्शन देना है अपनी सोसाइटी का, बिल्कुल, और कोई ऐसी गलत बात भी नहीं थी, जो लोग पहले से समझ रहे थे कि ये करने चाह रहे हैं या वो करना चाह रहे हैं, ऐसा कतई ही कोई बात नहीं था। जिस शख्स के ऊपर वो पिक्चर थी वो शख्स को बहुत अच्छी लाइट में दिखाया हुआ था, बहुत ह्यूमेन किस्म का अच्छा बंदा था वो, तो ये चीज़ें आपको मेरे ख्याल से एक फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, एक्शन, हर चीज़ होना चाहिए,
और आपको ना पसंद आए कोई चीज़ आप देखें पहले उसको एक चांस दें, ना पसंद आए आप कहें कि आपको ना नहीं पसंद आए इस वजह से, मगर देखे बगैर फैसला करके और एक चीज़ को इतना उड़ा देना कि वो बंदे का सारा वही ख़राब हो जाए जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया। वैसे ही कौन सी इकोनॉमी हमारी बूम कर रही है और जो बेचारे इतना डीमोटिवेटिंग हो जाता है, में आए 5 कंट्रोवर्सीज के नाम पर बंद हो जाए तो फिर किस तरह से आप उसको लेके चलेंगे। अब मैम इस वक्त आप जो है अवार्ड्स की, जो हमारे पाकिस्तान के अवार्ड्स हैं मुख्तलिफ अवार्ड्स, उनकी भी पीआर आप देखती हैं और इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे अब तो अवार्ड्स हो गए हैं, अवार्ड्स के बारे में आप क्या कहेंगी कि हमारे जो अवार्ड्स हैं, एक तो उनका ग्लैमर को मैं वाकई में अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि उससे हमारे पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज, और कई अवार्ड्स जो हैं वो कनाडा में हुए हैं, यूएसए में हुए हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में हुए हैं, जहाँ पर एक पाकिस्तान के सिनेमा की एक बहुत ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन दिखाई गई है। तो ये अवार्ड्स के हवाले से कुछ कहें, आप तो पायनियर हैं, मैं नाम नहीं ले रहा जब एक पहला एक अवार्ड शुरू हुआ था स्टाइल अवार्ड, तो उस वहाँ से आपका एक है इनपुट है। देखें अवार्ड्स बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज लोगों को जब कोई मेहनत करता है ना तो उसको अगर आप सराहें तो वो बहुत इंकरेज फील करता है। अब ये ज़रूर है कि अवार्ड्स जो है उस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी बहुत होती है जी। कुछ ऑथेंटिक जूरी बेस्ड अवार्ड्स होते हैं, कुछ 100% जूरी बेस्ड नहीं होते हैं, कुछ होता है कि भाई वोटिंग पे जिसने ज़्यादा वोट कर दे दिया जिस चीज़ को जी जी उसको मिल गया पॉपुलर अवार्ड्स आजकल वोटिंग पे चलाते हैं, अब आपको पता नहीं कि वो एक्चुअली मिला या नहीं मिला। ये भी होता है कि वो कहते हैं कि इन्होंने पोर्टफोलियो नहीं सबमिट किया था जिनसे इन सबसे मांगा था, जिसने पोर्टफोलियो दिया था उसी से हमने जजिंग की। तो इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा होती हैं और प्रॉबली होती रहेंगी। वो तो अगर आप ऑस्कर्स भी देखें तो उसपे भी लोग वहाँ पे तो थप्पड़ पड़ चल जाते हैं वहाँ पे तो वो कोई नई बात नहीं है, ये होती है ऐसी चीजें। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है कि अवार्ड्स हो और सिर्फ फिल्म के लिए नहीं हो, टीवी के अलग हो, म्यूजिक के अलग। अभी मैं इंशाल्लाह कल जा रही हूँ फॉर द सेप्मा के अवार्ड्स जो न्यूयॉर्क में हो रहे हैं, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें शान पाकिस्तान म्यूजिक अवार्ड्स है वो। सो वो आप वहाँ पे न्यूयॉर्क में इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, आप सोचें कि पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ मौजूद होंगे वहाँ पे, गाने हो रहे होंगे, अवार्ड्स हो रहे होंगे, तो हमारे लिए कितना हमारी सकाफत का एक बहुत ही पॉजिटिव जो है उसका इमेज जो है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये। और ये जब टीवी पे ये रिकॉर्डिंग होती है दुनिया भर में चलता है, हर कोई देखता है, तो उनको एक वो इमेज भी नज़र आता है पाकिस्तान का जो नॉर्मली मीडिया नहीं दिखाता है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, ये जो क्रिटिक अवार्ड्स होते हैं तो मैं इसको ये समझता हूँ कि ये क्रिटिक अवार्ड्स के जो टैलेंट रिक्वायर्ड है जिसको अप्रिशिएट करना है, अब क्योंकि वो पॉपुलर नहीं हो पाया लेकिन चीज़ अच्छी थी, जैसे कि कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं लाइब्रेरी फिल्म्स, ये एक इंडियन टर्म है, मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लाइब्रेरी फिल्म्स, कि वो फिल्म की मार्केट डिमांड नहीं होती लेकिन वो एक बायोपिक होती है, एक ख़ास एक स्टोरी को या एक ख़ास सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो फिर इनको अप्रिशिएट करने के लिए भी क्रिटिक अवार्ड्स रखे जाते हैं, क्या मैं सही हूँ? जी बिल्कुल, या जो आपकी जो आर्ट मूवीज होती हैं जो पैरेलल सिनेमा है, बिल्कुल सिनेमा, ये वही चीज़ है। और मेरे ख्याल से इन ये भी अब काफ़ी रिकग्नाइज हो रहे हैं, और इसी वजह से आप देखें कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी अब हमारी मूवीज़ अब सबमिट हो रही हैं, बिल्कुल सबमिट हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती हैं जो कमर्शियल ऑडियंसिस के लिए नहीं है, उसमें गाने नहीं हैं, आइटम नंबर नहीं है, ये उस तरह के मार धाड़ कॉस्ट्यूम्स वो सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उसकी जो कॉन्टेंट है, उसकी स्टोरी लाइन है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वाई नॉट, आप ज़रूर अगर आप यहाँ पे कम से कम पैसे ना बना सकते हैं तो एटलीस्ट आप एक क्रिटिकल अक्लेम तो ले सकते हैं ना, तो बहुत सारे अब मूवी सबमिट हो रहे हैं इस तरह। अच्छा, एक चीज़ होती है पॉलिटिक्स, सियासत, पीआर इंडस्ट्री में आपस में जो पीआर कंपनीज हैं इनके बीच में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कितनी एग्जिस्ट करती हैं कितनी एग्जिस्ट नहीं करती,
क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, पॉलिटिक्स तो नहीं, आप कहें कि कंपटीशन है, क्योंकि हर कोई आपका, जाहिर है कि एक ही इंडस्ट्री में जब जो भी होगा वो आपका कंपटीटर होगा, तो कंपटीशन तो होता है। कंपटीशन में ये भी होगा कि कभी आपका क्लाइंट कोई और तोड़ने के लिए आ जाता है, कभी आप एम्प्लॉई को तोड़ने आ जाते हैं लोग, कि उन्हें पता है कि बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हमेशा, सिर्फ इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में होती है। लेकिन यही वजह है कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है कॉल्ड प्रेडर, जिसकी मैं सदर हूँ, जो है फॉर ऑल पीआर, इवेंट मैनेजमेंट, डिजिटल एंड एक्टिवेशन कंपनीज। एसोसिएशन या सोसाइटी? बिल्कुल, इट्स लाइक एन एसोसिएशन, और जैसे आपके ऑल न्यूज़पेपर एसोसिएशन है या मार्केटिंग एसोसिएशन है, वैसे ये अब एक प्लेटफॉर्म, हाँ, एक अम्ब्रेला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अब, और इसमें हमने देखा कि जब से ये फॉर्म किया है, तो एक तो हमारी कोलैबोरेशन, जो डायरेक्ट कंपटीटर्स थे, उस वो एक हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, जिसके साथ हमारे रोज की उठना बैठना, बातें, बातचीत है, किसी की बर्थडे है उसको विश करना, किसी के साथ कुछ हादसा हुआ उसको, यू नो, उसके लिए वो उनके साथ सिंपैथाइज करना, और अगर किसी ने उनके साथ कोई गलत काम किया है तो फौरन उसमें पता चल जाता है कि इसको नहीं हायर करें, इसने इस तरह किया, या कि कोई क्लाइंट ने कुछ किया। तो ये एक हमारे लिए भी एक प्रोटेक्शन हो जाती है, और आगे जाके हम क्लाइंट्स के लिए भी प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं, ताकि ये अगर उनको कोई मसले हो कि हम में से किसी के साथ, तो वो भी इस प्लेटफॉर्म को अप्रोच करके और अपने प्रॉब्लम्स को हल करवा सकते हैं। तो आई थिंक इस तरह के जब इदारे फॉर्म होते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है आपके वर्किंग एथिक्स में। आगे जिस तरह से एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, और जैसे कि एक मेटा कल्चर आ रहा है, 3D कल्चर आ रहा है, आपके ख्याल से क्या एक वक्त ऐसा आएगा कि इन्फ्लुएंसर्स अपने घरों में बैठे हुए होंगे, और जो है फिल्म्स की प्रमोशन जो है वो रेड कार्पेट पे 3D वे में हो रही होंगी, इस तरह की चीज़ें? मतलब मैं बड़ी चीज़ें सोचता हूँ कि आगे जाकर क्या चीज़ें होंगी, एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप इसको सिर्फ फिल्म की प्रमोशन या रेड कार्पेट पे क्यों लिमिट कर रहे हैं? ये तो जब इस तरह हो जाएगा, जी, 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 तो वो तो हर चीज़ के लिए हो जाएगा, हर चीज़ के लिए। वैसे ही वर्चुअल ऑफिसेज हो चुके हैं, फिजिकली ऑफिस में उन्होंने स्टाफ आप सबको, देखें कोविड ने बहुत हद तक जिंदगी सबकी बदल दी है। तो जहाँ पे पहले सबके बड़े बड़े 200-250 लोगों की टीम होती थी ऑफिस पे, वो बैठते थे और अपना सबको हायर करते थे, अब वो वर्चुअली वन मैन शो होता है, घर से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। तो यू नेवर नो, स्काई इज द लिमिट, सब चीजें चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल, आज हमारे साथ मौजूद हैं शहनाज रमजी साहिबा। मैम, आपके साथ बहुत अच्छा है हमारा इन्फॉर्मेटिव एक डिस्कशन रहा है, बहुत चीज़ें जो हैं अनफोल्ड हुई हैं, अनवेल्ड हुई हैं, और मैं फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा आपकी किताब पाकिस्तानी क्विजिन के हवाले से जो आपने अभी लॉन्च की है, और इसी तरह के बहुत सारे गेस्ट जो हैं उनकी मुलाकात में अपने शो बात से बात में आपकी कराता रहूँगा। आप लोग मुझे सुन रहे हैं सिंध पुलिस एफ एम 88.6, मेरा नाम है कामरान जावेद अजीज़, और कल फिर मैं हाजिर होऊंगा अपने नए कंटेंट के साथ। देखते रहिए फेसबुक पर और सुनते रहिए FM 88.6। अल्लाह हाफिज़।